होप अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, मगर ब्लॉग देखते रहेंगे। बिल्कुल। तो आज का क्या प्लान है योगी? ऐसे ही थोड़ा सा घूमने चलते हैं, कहीं अगर कुछ दिख गया तो दिखा देंगे। ऐसे चल रहे हैं कहीं ना कहीं, तो चलिए आज हमारे साथ चलिए, देखते हैं कहाँ चलते हैं। तो दिखाते हैं आपको फिर से नजारे पहाड़ों के। तो हम लोग निकल रहे हैं और देखिए कहाँ पहुँचते हैं इस नज़ारे के साथ। हमारे देखिए क्यारी में भी फूल आ गए हैं, कितने अच्छे अच्छे फ्लावर आए हैं, देखिए नाइस फ्लावर। चलिए फिर चलते हैं। हम लोग निकल पड़े हैं, यू नो वेरी वेल कि हमारे पैरों पे बहुत बड़े चक्कर हैं, तो योगेश ने वो चक्कर घुमा दिए और हम निकल पड़े। देखते हैं दोस्तों कहाँ मुलाकात होती है आपसे। चलो फिर। धूप कितनी तेज हो गई है आज, बहुत तेज धूप है योगी। पर मुझे तो ऐसा लग रहा है एसी चलाना पड़ेगा। नहीं नहीं हवा अच्छी चल रही है ना, आपने खोल दी खिड़कियाँ तो इस वजह से ना धूप जो है पेड़ों की वजह से, देखो कितनी हवा अच्छी चल रही है। कहाँ आ गए हैं इस तरफ को? अब हम सुयालवाड़ी की तरफ आ गए हैं। सुयालवाड़ी ये एक गांव का नाम है ना? यस। और यहीं से मेरे ख्याल वो भी जाता है, वो जो मैंने आपको एक वो बताया था, क्या बोला था उसका, डुकाने वाटरफॉल का रास्ता। यस डुकाने वाटरफॉल। तो आपको आज ले जाएंगे इसी रास्ते से अगर पहुँच पाए तो। हाँ, क्योंकि वहाँ वॉकिंग डिस्टेंस भी है, काफी वॉकिंग डिस्टेंस है। तो चलो फिर भी चलते हैं ना, कोई बात नहीं, देखते हैं क्या मिलता है, कैसे मिलता है, नए तरीके से मिलता है, नए रास्तों पे। हम फर्स्ट टाइम आ रहे हैं इस रास्ते पे। मुझे भी और लगा। आज एक नया एडवेंचर होने जा रहा है जिससे हमें पता लगेगा कि वाकई एडवेंचर होता क्या। तो चलो फिर, चलो चलें कहीं दूर दूर, कहीं प्यार के लिए जगह ठीक नहीं। yes. रास्ता तो अच्छा है, सड़कें अच्छी हैं, सड़क अच्छी बनी हुई है, नई बनी है ना रुमा। अब और ये स्रोत बना हुआ है। हाँ ये स्रोत बना हुआ है। तुम रुमा एकदम से मत दिखाया करो, मैं मोड़ पे हूँ। सॉरी 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 भाई, पहले गाड़ी तरीके से चलाओ, मेरी तरफ या मेरी बातों पे ध्यान मत दिया करो आप। नहीं नहीं वो हमें तो ब्लॉग भी तो बनाना है, बट एकदम से अट्रैक्शन मत दिया। सॉरी सॉरी, और हम ही गलतियां कर रहे हैं। दिस इज वेरी रॉन्ग, दिस इज वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस योगेश। यस, गलत बात। हाँ, गाड़ी चलाते वक्त नो ब्लॉगिंग। तो चलो फिर यहाँ में क्या मिला देखिए। वुल्फ कितनी प्यारी, एक और आ रही है मेरे ख्याल से, और आ रही है ये। हाँ। देखिए ऊपर से देख रही है। अरे पता नहीं, देख तो रही है वो। आते तो ये जोड़े में या तीन, एक एक गए, दो गए। मेन रोड से जब हम यहाँ आ गए तो ये रोड अभी हम आप ये देखो कि तकरीबन 6-6.5 किलोमीटर आए होंगे, 7 किलोमीटर, और ऐसा लग रहा है पता नहीं हम कितनी लंबी रोड पे आ। पर है रोड ठीक है, अंदर गांव भी है, फ्रूट्स के पेड़ लगे हैं। हाँ, अभी हम नाशपाती मिस कर गए। हाँ, बहुत सारी नाशपाती लगी थी मेन रोड पे। ये लगी है शायद, नहीं नहीं ये तो वैसे ही है, पर अच्छा लग रहा है ये रोड। हाँ। थोड़ी छांव, थोड़ी धूप, मतलब मजा आ रहा है ये वाली रोड पे चलने से। और अगर वाटरफॉल चले गए तो आपको तो दिखाना ही है, आप चल ही रहे हैं हमारे साथ साथ, है नहीं योगेश? बिल्कुल, वो अगर जा ही उसी लिए रहे हैं, अगर वाटरफॉल हुआ, हालांकि तपती गर्मी है, तीन साल में हमने पहली बार इतनी सड़ती गर्मी देखी है पहाड़ों। फर्स्ट टाइम एसी चलाया हमने पहाड़ों पे इस समय। एसी चल रहा है हमारा 20 में, कल का 34 था। 34 सुन के भी ना और चक्कर आ जाए बंदे को, मतलब प्लेन्स के 48 के इक्विवेलेंट हो गया। पर योगेश एक बात है, 34 होने के बावजूद इतनी गर्मी नहीं लगती अगर हम छांव में बैठे हैं। हाँ, क्योंकि यहाँ हवा ठंडी चलती है ना, और शाम होते ही ठंड शुरू हो जाती है, एक तरह से लू नहीं चलती। हाँ, ये कह सकते हैं कि लू नहीं चलती पहाड़ों पे, लू चलती है तो वो ठंडे
ठंडे होने की वजह से ना वो कन्वर्ट हो जाती है ठंडे हवा में। हाँ वो तो है, पर चलो कितना अच्छा व्यू है सामने चीड़ के पेड़ के जंगलों का। देखो कैसे ऐसे लगता है जैसे कुदरत ने बिल्कुल पिरो के चीड़ के पेड़ लगा दिए। चलो देखते हैं अब रास्ते के नजारे। हम लोग बिल्कुल मेन रोड सड़क पे से जा रहे थे और ये एकदम से पेड़ दिखा, कितने अच्छे लग रहे हैं देखिए नाशपाती के। नाशपाती की पकी है, कितना बड़ा पेड़ है नाशपाती का। अरे हमारे नाशपाती के पेड़ पे खड़े हो तुम तो दिखा रहे हैं, ये देखिए कितने अच्छे। चलो बहुत बहुत बड़ी, बहुत अच्छा, इतना अच्छा फ्रूट लगा हुआ है नाशपाती का। और देखिए इतना बड़ा पेड़ है, बहुत पुराना पेड़ होगा ये, नीचे नाशपातियां ही नाशपातियां लगी है। दिख रही है? हाँ सब। चलो चलते हैं फिर। तो रोमा ने भी हमने वाटरफॉल देखते हैं, चलो फिर आगे चलते हैं। चलो योगेश को नाशपाती मिली यहाँ पर और योगेश ने तोड़ के खा लिया। आगे एक पेड़ था नाशपाती, अच्छी लाल लाल लगी, ले ली। पर यहाँ मैंने नोटिस किया योगेश, यहाँ ना आड़ू और पोलम कम है, नाशपाती बहुभोषी के बड़े बड़े इतनी बड़ी बड़ी हैं, पर वो अभी भी पकी नहीं है। सोचो उनका साइज कितना बड़ा होगा, इतना बड़ा होता है। प्रॉब्लम बताइए क्या है? बारिश नहीं हुई। बारिश ना होने की वजह से सारा इस बार फ्रूट खराब है, अच्छा फ्रूट नहीं आया है। जो लास्ट ईयर इतने अच्छे फ्रूट्स आए हैं ना, इस बार तो फ्रूट्स ही नहीं है। मतलब मजा नहीं आ रहा इस बार फ्रूट्स खाने का। नहीं तो रामगढ़ के फ्रूट्स वाह क्या कहने के, मशहूर है। तो चलिए फिर पहुंचते हैं रास्तों में पहुंचते हैं और दिखाते हैं आपको फिर से नजारे पहाड़ों के। डोंगटे फॉल जा रहे थे तो वहां से दो रास्ते कट रहे थे, एक ऊपर की तरफ जा रहा था खैरना की तरफ, वहीं से भवाली भी जा रहा था और यहाँ से एक रास्ता नीचे को आ रहा था, तो हमें उस किराए पे रुकना पड़ा। काफी देर रुके। हाँ और हमें एक गाड़ी वाले मिले, हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा नीचे। और एक अच्छाई है, उन्होंने हमें बताया कि यहाँ से 5 किलोमीटर नीचे आप जाएंगे तो डोकने फॉल आ जाएगा। तो पहले चलते हैं फिर वहाँ मिलवाते हैं, फिर मिलते हैं। यहाँ रोड देखो कितनी अच्छी है, बहुत बढ़िया, ऐसे लग रहा है किसी हाईवे पे जा रहे हैं। छोटी रोड है, फॉरेन के हाईवे। हाँ छोटी जरूर है रोड, पर मलाई रोड है, मस्त मलाई है। पर हमें मुझे ऐसा लग रहा है हमने जहाँ से नीचे तिराई से मुड़े थे वहाँ से 5-6 किलोमीटर हम नीचे तो जा रहे हैं। अभी तक हम कितने किलोमीटर आ गए? 2-3 किलोमीटर। दो ना, पर यहाँ कोई बाजार नहीं है बीच में, मैंने देखा है। पता क्या होता है यहाँ हर चीज आपको टूरिज्म स्पॉट जो है ना वो सुनसान रास्तों से जाके। हाँ पर आगे मुझे दुकानें भी दिख रही है, घर भी दिख रहे हैं बहुत सारे। अभी वहाँ पहुँचते हैं और देखते हैं क्या मिलेगा, देखते हैं कुछ ना कुछ लेते हैं, क्योंकि अब लग 1:30 बज गया है, अब हल्की हल्की चाय पीने की तलब लग गई है। योगेश जी गलत बोल रहे हैं, आपको तो पेट्रोल की जरूरत है। इंजन रिचार्ज नहीं हो रहा होगा आपका। चलो कहीं देखते हैं आपका पेट्रोल भी, देखते हैं। योगेश तब तक गाड़ी पार्किंग में लगाने के लिए ला रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना ये डोकाने वाटरफॉल का बोर्ड है, यहाँ से अब हम जाएंगे शायद टैक्सी में, क्योंकि कह रहे हैं कि यहाँ पर नीचे पार्किंग नहीं है, तो बेटर ये है, फर्स्ट टाइम है हमारा, तो हम चलते हैं पहले टैक्सी में, देन उसके बाद नेक्स्ट टाइम चलेंगे अपनी गाड़ी में, तो चेकआउट हो जाएगा कि होगा या नहीं होगा। तो योगेश चले गए गाड़ी पार्क करने, फिर देखते हैं क्या जुगाड़ है यहाँ नीचे जाने का। एट लास्ट डिसाइड क्या हुआ, अपनी गाड़ी नीचे जाएगी। टैक्सी कैंसल, पर अच्छा है उसने हमें ये बता दिया, हम रामगढ़ से ही थे, हमने बोला हम टूरिस्ट नहीं है भाई, तो उसने बोला आप नीचे चले जाओ पर साइड में लगा लेना, बेंड पे लगा लेना गाड़ी बस, और वहीं से थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस जगह देख के चलते हैं, लगा देते हैं गाड़ी अपनी गाड़ी में। इधर ही लगा दो ना। तो योगेश डिस्कशन करने में लगा है क्या करे, बार बार डिस्कशन होती है और फिर इधर उधर हो जाते हैं हम लोग। तो एट लास्ट डिसीजन ये हुआ
कि योगेश ने अपनी गाड़ी उठाई और चल पड़े हैं डुकने डुकाने वाटरफॉल। तो अब देखते हैं उस वाटरफॉल में क्या होता है और क्या नहीं होता। रश तो बहुत है यहाँ पर, तो लेट्स सी। ये वाटरफॉल का रास्ता है और हम जिक जिक गाड़ी की ट्रैकिंग करते हुए जा रहे हैं। ट्रेन में जैसे हो रहा है, छिक 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 छिक, कच्चा पक्का रास्ता है। हम निकल पड़े हैं दुकाने वाटरफॉल। लोग शॉर्टकट मार मार के पहाड़ों से नीचे उतर रहे हैं ट्रैक करते हुए, पर हमारे बस की नहीं थी ट्रैक करना। और एक बंदे ने हमें बहुत अच्छा सजेशन दिया कि सर वहाँ लगा लेना, तो देख लेना फिर। तो ये है वहाँ का रास्ता ऐसा। एक किलोमीटर नीचे आके गाड़ी पार्क कर दी है और धूप बहुत तेज है, गर्मी बहुत जबरदस्त है। पर कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर दुकाने वाटरफॉल आपको देखना है तो धूप में चलना पड़ेगा। देखते हैं दोस्तों कितना पानी है। बोल मेरी मछली, इतना पानी। चलो देखते कितना पानी मिलता है, कितना नीचे और जाना है। ये बेस्ट जगह है, हम बेंड पे आ गए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकुर आनंद। अंकुर आनंद मिले हैं हमें, हम दुकाने वाटरफॉल आए, तो ये हमें इंस्टाग्राम पे प्रमोट कर रहे हैं, हम इन्हें यूट्यूब पे कर रहे हैं। I'm also on YouTube and I'm very good. Sixth record holder. Oh great. And अभी मैं 48 घंटा नॉन स्टॉप ट्रैवल करके आ रहा हूँ। वो बिना स्पीड बिना सोए हुए। अच्छा, वो काम हम नहीं करते। इट्स ओके। दोनों अंकल आंटी से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। पूरे उत्तराखंड के लोगों को मेरे हाथ जोड़ के नमस्ते। और बहुत सारा मुझे उत्तराखंड में प्यार मिला है। मैं पिछले 10 साल से देहरादून में पढ़ाई कर रहा था, अभी मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ। वेरी नाइस। सो कीप इट अप एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। राइट आनंद, बाय बाय। जा तो रहे हैं वाटरफॉल की तरफ, बड़ा लग रहा है, कचरा वचरा बहुत है। वाटरफॉल तो अच्छा चल रहा है योगेश, नीचे ना रश भी बहुत ज्यादा है, पर आप बोल सकते हो वाटरफॉल में है अच्छा वाटर, बट नीचे जो है ना आगे कम है पानी, उतना ज्यादा नहीं। हाँ, ऊपर से ज्यादा है। चलो ऊपर ही चलते हैं। चल सकते हो? यस। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, हम जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं, ये लोग एंजॉय करके आ रहे हैं। यस, तो चलो चलते हैं, देखते हैं नजारे पहाड़ों के। ये है दुकाने वाटरफॉल और देखिए नीचे सारे लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं इस वाटरफॉल में। हालांकि पानी कम है मगर इन लोगों के दिल बड़े हैं, तो इसलिए छोटे से पानी में ही ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नीचे और दिखाते हैं आपको नज़ारे वाटरफॉल के। रोमा ट्रैक करती हुई नीचे आ गई है, हालांकि धूप बहुत तेज है। क्यों रोमा? पर हमने कैप पहनी है तो फर्क है, थोड़ा सा फर्क लग रहा है। और लोग बाग यहाँ अपनी गर्मी मिटाने के लिए देखिए वाटरफॉल में नहा भी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। बहुत अच्छा वाटरफॉल है। योगेश चल पड़े हैं वाटरफॉल की तरफ, पर हिम्मत तो कर रहे हैं पर मन नहीं कर रहा, बहुत कीचड़ खाना मचा हुआ है, पर मज़े सब कर रहे हैं। कैसा लगा? अच्छा लग रहा है। अच्छा है ना, ठंडा। दुकान है वाटरफॉल और यहाँ मस्ती कर रहे हैं सब लोग, सब अपना एंजॉयमेंट काटने आए हैं। कुछ लोग गर्मी मिटाने आए हैं, कुछ एंजॉय करने आए हैं और हमारी तरह कुछ लोग यूट्यूबिंग करने भी आए हैं। तो
और आपको भी दिखाने आएंगे, आप भी देखिए और आइए। गर्मी दुकाने वाटरफॉल, मजा आ रहा है। ठंडे ठंडे पानी में पैर रख के, हालांकि पानी उतना ठंडा नहीं है जिस हिसाब से गर्मी है, मगर फिर भी अच्छा लग रहा है, फीलिंग गुड है ना। तो आपका पेट्रोल ढूंढ रहे थे, कैफे तो है रोमा वहाँ पर, अब देखते हैं कैफे में क्या मिलता है। तो चलो फिर आपको कैफे भी दिखा देते हैं। थक गए और शूज पहनने की कोशिश हो रही है, कामयाब हो गई। तो चलो आप शूज पहनो फिर निकलते हैं, सामने कैफे है, आपका पेट्रोल भी देखते हैं। ऑर्डर क्या किया? दो कोल्ड कॉफी, एक ब्रेड ऑमलेट। आज कॉफी पी रहे हो आप? तो मैं कॉफी ना पीऊं। आपका पेट्रोल कैसे, बिना पेट्रोल के चलोगे कैसे आप? थोड़ी है मुझे कॉफी नहीं। तो चलो, तूने तो अच्छा टोक दिया मुझे। ये मेरी जो कॉफी है ये पेट्रोल नहीं है, ये पावर पेट्रोल है। पावर ज्यादा आ जाएगी ना चलने की भी। हाँ बिल्कुल। ये आ गई योगेश का पावर पेट्रोल। यस, तो चलो अब अपना पावर पेट्रोल शुरू किया जाए, शुरू करते हैं। चीयर्स। चीयर्स। नाइस नाइस, लग नहीं रहा था। उत्तराखंड में आइसोलेटेड जगह पे इतनी अच्छी कोल्ड कॉफी, बहुत अच्छी। आ गया है हमारा ब्रेड ऑमलेट, तो अब इस पे अटैक करने की हमारी आ गई है बारी। कोशिश जारी है, कोशिश जारी है, पर अटैक जल्दी किया जाएगा क्योंकि भूख बहुत लग रही है। और ये तो जस्ट ऐसी मंगाया हमने टेस्ट के लिए, अगर अच्छा लगा तो और कुछ। इन्हीं को बुलाते हैं और इन्हीं से पूछते हैं कि इनकी और स्पेशलिटी क्या है। पावर पेट्रोल हो गया, पावर पेट्रोल के साथ पावर नैप भी हो गई। ब्रेड ऑमलेट पावर नैप नहीं होगा? उन्होंने अच्छा बनाया हुआ है, कास्केट कैफे के नाम। हाँ, मतलब क्वालिटी ऑफ फूड इज गुड, यू कैन एंजॉय द थिंग्स। सीनिक व्यू बहुत बढ़िया, अभी आपको दिखाते हैं यहाँ से व्यूज कैसे आते हैं। ये बिल्कुल वाटरफॉल के बिल्कुल नज़दीक है। यस, तो दोस्तों चलते हैं फिर आपको आगे के नज़ारे दिखाते हैं। तो रास्ते के नज़ारे तो दिखाएंगे ना, तो दिखाते हैं नज़ारे पहाड़ों के। तो ये वाटरफॉल का पानी नीचे तक जा रहा है और काफ़ी लोग यहाँ एंजॉय कर रहे हैं, अपने घर से खाना बना के लाए हुए हैं और वो नदी किनारे बैठ के, वाटरफॉल के किनारे बैठ के सब खाना खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। व्यू बहुत अच्छा है, सीनिक व्यू। ये ऊपर इन्होंने एक ब्रिज बना रखा है जो जंगल के रास्ते आपको अंदर ट्रैकिंग के लिए ले जाता है। और ये कैफे की छत, और ये रोमा बैठी है मेरा वेट कर रही है। पावर पेट्रोल के बाद भी एनर्जी ड्रेन, ऐसा कैसे हो गया? तो चलो चलते हैं फिर, मिलते हैं ब्रेक के बाद। योगेश हिसाब क्लियर कर रहे हैं, पेमेंट दे रहे हैं, तब तक मैं आ गई बाहर और अब हम निकलेंगे यहाँ से। ये रास्ता है स्टेयर्स वाला, पहले हम आए हैं यहाँ से, अब जाएंगे स्टेयर्स से। तो चलते हैं योगेश के साथ। ये यहाँ पर कैफे है, कास्केट कैफे, बहुत अच्छा है। ऊपर भी सिटिंग अरेंजमेंट बनाया है पर गर्मी इतनी तेज़ है मन नहीं किया, और योगेश थोड़ा बातें कर रहे हैं, तो बस फिर उसके बाद चलते हैं।
तो दुकाने वाटरफॉल एक्सपेरिमेंट इज ओवर, पर आप अच्छा एक्सपेरिमेंट हमारा एक्सपेरिमेंट तो हमारा एक्सपीरियंस एक्सपेरिमेंट तो अच्छा रहा। और हमारे साथ साथ आप लोगों ने कैसा एक्सपीरियंस किया ये आप बताएंगे। ये देखिए एक बारी फिर से आपको पूरा वाटरफॉल दिखा देते हैं। अच्छा है वाटरफॉल, बहुत अच्छा। यस, बस थोड़ा सा मौसम अच्छा हो जाता ना और अच्छा लगता। एक्चुअली बारिश नहीं हुई ना, इस वजह से वाटरफॉल में पानी भी कम है और थोड़ी गर्मी भी तेज है। तो चलो योगेश, क्योंकि गर्मी बढ़ती जा रही है तो हम लोग चलते हैं यहाँ से। तो आपको वाटरफॉल भी दिखा दिया, वहाँ की मस्ती भी दिखा दी, और जहाँ हम ऊपर गाड़ी रखते हैं ज़्यादातर लोग बोलते हैं गाड़ी नहीं जाने की जगह, और सही भी बोलते हैं क्योंकि वहाँ अगर सब गाड़ियाँ चली जाएगी तो बहुत बड़ा जाम लग जाएगा। क्योंकि वहाँ स्पेस कम है, छोटी स्पेस है, और मैनेजमेंट के नाम पे वहाँ पर कोई एम्प्लॉई नहीं है क्योंकि फ्री पार्किंग है। तो फिर या तो ऊपर गाड़ी रखें और 1.5 किलोमीटर पैदल का रास्ता है, नहीं तो नीचे गाड़ी ले जाएं, 0.5 किलोमीटर पैदल का रास्ता है। बिल्कुल, हमारी हालत आप देख ही रहे होंगे, बहुत थक चुके हैं, हालत बहुत टाइट है दोनों की। नहीं, हमारी हालत टाइट होने का रीज़न भी है ना कि अब हम अपने आप को धूप में बहुत ज़्यादा देर तक रख नहीं पाते। एनर्जी ड्रेन हो जाती है और ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने हमें सक कर लिया हो, चूस लिया हो, चक्कर आने लगते हैं। यस, थोड़ा उम्र का भी तकाजा है, पर हम अभी यंग हैं। उम्र बुड्ढा तेरा बाप। एनर्जी बिल्कुल ड्रेन हो चुकी है। फिर आपको बताएंगे टोटल कितने किलोमीटर है हमारे घर से। हम हाँ बिल्कुल, हमारे घर से कितने किलोमीटर। ठीक, चलेंगे, चलो। योगेश, वाटरफॉल तो हमने देख ही लिया, बट अब जब बच्चे आएंगे ना, छोटे और बड़े दोनों, हाँ। तब उनको लेकर आएंगे हम अच्छे से यहाँ पर। बिल्कुल, किस सीजन में आते हैं बच्चे, क्या आते हैं यहाँ आने का मजा है? बरसात में। बरसात में तो बहुत मजा आएगा, और वो जो कैफे है वो, उसमें तो बहुत अच्छी अच्छी बहुत अच्छी चीज है, लिमिटेड है पर अच्छी है। हाँ, नो डाउट, और वो लड़के भी अच्छे हैं। तो बस यही है, पहले हम देखने जाते हैं, फिर हमारे छोटे वाले आते हैं, अब पता नहीं बड़े वाले कब आएंगे, फिर सबको दिखाएंगे ये वाला वाटरफॉल। तो चलो मिलते हैं रास्ते रास्तों में इन पहाड़ों के साथ और नजारों के साथ। यस, तो चलो फिर, चलो। हम लोग मेन उड़ाखान रोड पे आ गए हैं। यहाँ आपको अगर जाना है तो आप अगर नतवा खान से आ रहे हैं तो आपको लेफ्ट में ना सुयाल बाड़ी की तरफ मुड़ के तब दुकाने वाटरफॉल की तरफ रास्ता जाएगा। और यहाँ से एग्जैक्ट है 171 किलोमीटर पे चले थे। 25 किलोमीटर है यहाँ से। नमस्कार, मैडम इनसे मिलो, ये बहुत बढ़िया हमारे बच्चे हैं, हमारा ध्यान रखते रहते हैं। तो अब हम चल पड़े हैं नतवा खान की तरफ, और नतवा खान से हमारा घर पड़ता है एग्जैक्ट 5 किलोमीटर दूर पे। दूर तो लगभग आप 31-32 किलोमीटर में हमारे घर से दुकाने वाटरफॉल पहुंच सकते हैं। और मस्ती काटिए, मजे करिए और एंजॉय करिए, एंजॉय योर लाइफ। आज से हमने एक नई टैगलाइन दे दी, एक्सप्लोर द उत्तराखंड। थकावट के मारे नशा चूर चूर हो रहा है, बहुत टाइट हो गई है हालत। तो धूप बहुत तेज है, बारिश हो नहीं रही है, जिसकी वजह से हमें थोड़ी सांस लेने में भी दिक्कत होती है। हाँ, ये तो है। तो योगेश, आप क्या बोलते हैं? दोस्तों, ब्लॉग को आज हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई खुशियों के साथ और नए नजारों के साथ। सही। तो अगर ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल योगेश भाटिया।